हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम क्या है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से HSSC एलम और UPPCL PG2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों एग्ज़ाम पर हमारा क्या मेन फोकस है और यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हमारे लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है उसके बारे में हम क्या डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज ये हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है वो क्या है, हमारे जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या है, फर्स्ट लेक्चर देख सकता है। उसके बाद आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, धारा के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया था, ठीक है। जो भी पॉइंट और क्या हमारे पास बचेंगे वो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, सारे पॉइंट क्या है आपके यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में, आवेश, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, आवेश को हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, आवेश के बारे में। आवेश के बारे में क्या है, क्या कुछ नई बातें होगी, बहुत सी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, ये मेरा दावा है। आप एक बार ये लेक्चर देखोगे उसके बाद आप सोचोगे भी ये बातें तो अभी तक पता ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आवेश क्या होता है हमारे पास, आवेश एक तरह का क्या है, बल होता है, ठीक है। पूरी क्या है हमारे पास, जो विश्व के अंदर ऐसा बल होता है जो क्या है, आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, ठीक है। परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जाम को हमें क्लियर करना है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या है, आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा बल होता है जो वस्तु को क्या है, आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपने देखा होगा जो आवेश जो हमारे पास होते हैं वो, एक तो आपने पढ़ा होगा क्या चीज, धनात्मक आवेश के बारे में, ठीक है। एक तो होता है धनात्मक आवेश जिसे आप लिखते हो पॉजिटिव, ठीक है। एक आपके पास क्या होता है, ऋणात्मक, एक होता है आपके पास ऋणात्मक आवेश जिसे आप क्या लिखते हो, नेगेटिव आवेश लिखते हो, ठीक है। ये पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव जो आवेश है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसके अंदर। जैसे कि जो हमारे पास धनात्मक आवेश होगा, इसके अंदर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में क्या पूछेंगे, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या कमी होती है। तो यहाँ पर आप पहले ध्यान रखना, हमारे पास धनात्मक आवेश है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास कमी होगी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, अब कमी की जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हानि भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर हानि होती है। और ऋणात्मक जो आवेश है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इसके अंदर, वृद्धि होती है, ठीक है ना, वृद्धि होती है, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कमी होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, किस तरह से होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास क्या है, सोडियम के लिए फॉर्मूला है NaCl लेके चलते हैं, सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा हमें साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो केमिस्ट्री का जो हमारे पास रूल होते हैं उस हिसाब से क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जानने की कोशिश करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझ आ जाएगा, ये दावा है मेरा। सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। अब सोडियम का आप सभी को बताया परमाणु, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना, सोडियम का, और ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। आप सभी को पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब यहां से मैं आपको कोई केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह नहीं बता रहा, हम डायरेक्ट इनके ऊपर बात चलते हैं, हम यहाँ पर वृद्धि कैसे हुई, यहाँ पर कमी कैसे हुई, ठीक है ना, ये देखिए आप। तो अब आप सभी को बताए, कल मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास परमाणु संरचना होती है, परमाणु की जो संरचना हम बनाते हैं, जैसे जैसे क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, नाभिक होता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बाहर के कक्ष बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के कक्ष होते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास होता है क्या, नाभिक, ठीक है। और इनके बाहर जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते हुए रहते हैं। पहला जो कक्ष है उसे हम बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, उस तरह से क्या है, एन भी लास्ट में आ जाएगा, KLMN, ठीक है, N इसके अंदर क्या है, लास्ट में आएगा, मैंने N यहाँ पर नहीं बनाया है, हम डायरेक्ट बात करते हैं कमी की और वृद्धि की। अब देखिए,
जो के हमारा कक्ष होता है उसके अंदर क्या है, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं के कक्ष के अंदर, आप सभी को बताया, आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कैसे निकाला हमने, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 2n की पावर क्या होती है 2। ठीक है, 2n की हमारे पास घात कितनी होगी 2, इससे हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो k है इसके अंदर हमारे पास 2 कैसे आया, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 2n की पावर कितना है 2, यहां पर हमारे पास 2 तो पहले ही है, n यानी कि k, k कौन सा कक्ष है इसके अंदर, फर्स्ट कक्ष है, तो हमने लिख दिया यहां पर 1 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो आप सभी को पता है 2 तो हमारे पास पहले ही आ गया, और 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 1 कितना हो गया हमारे पास 2, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है, पहला जो कक्ष है, पहला जो ऑर्बिट है, इसके अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे कक्ष की बात करें, इसमें क्या है एल, तो एल मैं आपको थोड़ा सा याद देता हूं, एल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, एल के अंदर क्या है 2n का स्क्वायर, तो क्या होगा हमारे पास 2n कितने नंबर पे है, एल 2 नंबर पे, 2 लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितने हो गए 4, गुणा में क्या है 2 पहले ही है, इसमें क्या आ गया 4 2 8, तो हमारे पास दूसरा जो कक्ष है, ये जो दूसरा कक्ष है इसके अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये बना दिए 3 और हमारे पास क्या 3 6 और ये क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास दूसरे कक्ष में होते हैं, तो आप क्या इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो ये मैं यहां से रफ कर देता हूं, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें मैं आपको के डिटेल से बताऊंगा क्यों बनी चीजें सारी, क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर। अब देखिए जो हमारे पास सोडियम है इसके अंदर कितने हैं 11 परमाणु क्रमांक है, यानी कि पहली कक्षा के अंदर कितने आ गया 2 आ गए, पहली कक्षा के अंदर 2 आ गए, दूसरी कक्षा मैंने आपको क्या बताया था 8, 8 भी आ गया, उसके बाद 8 और 2 10 बचा कितना, यहां पर 1 बचा है हमारे पास। ठीक है, ये 1 बचा है, उसके बाद क्लोरीन का देखते हैं हम इस तरह से कैसे बनेगा, 2 पहले में आ गए हमारे पास, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन में क्या है दूसरे में कितना आएगा 8, सभी में 8 आता है, ठीक है, बचा कितना यहां पर 7 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए अब सोडियम और क्लोरीन हम आपस में क्या बनाते हैं, आप सभी को पता है नमक का फॉर्मूला होता है, ये दोनों आपस में क्या रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है हमारे पास जो एक है, जो एक हमारे पास है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इसके साथ क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है और उसका जो लास्ट का कक्ष है वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास एक ये फालतू है, इसके पास फालतू है, तो इसने क्या किया इसको दे दिया एक ये, और इसके पास टोटल कितने हो गए 8 हो गए, और ये 7 का क्या बन गया यहाँ पर 8 बन गया, और यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 2 8, इसका कक्ष पूरा हो गया और इसका भी कक्ष क्या है यहाँ पर ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या आप देख सकते हो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यानी कि इसके पास धन ज्यादा था, तो ये क्या है धनात्मक, ज्यादा धन है तो वो क्या है दूसरे को क्या हो जाएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो तभी मैंने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऋणात्मक आवेश है नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अब हमारे पास सोडियम तो हो गया धनात्मक और इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास ऋणात्मक। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे से लिया है, यानी कि हमने क्या किया है ऋण लिया है दूसरे से, ऋण आप सभी को पता है ऋण लेते हैं जिसके पास कमी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है ऋण लिया है हमने, तो इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन की एक वृद्धि होगी दूसरे से हमने ऋण लिया है तब। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया क्यों बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, और वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपको ये कैसे बना, एग्जाम में आपको ये पूछेंगे दोनों बातें, तो मैंने आपको बताई ये दोनों बातें कैसे बनती है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से किया है किस तरह से हमारा पास ये बनता है। अब आप सभी को बताया जो हमारे पास आवेश जो होता है, आवेश हमारे पास क्या है एक तो होता है धनात्मक, एक मैंने आपको अभी बताया क्या ऋणात्मक आवेश है। अगर हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक है, जैसे कि धनात्मक के साथ धनात्मक मिल जाए और ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक मिल जाए, ये हमारे पास क्या है दोनों सेम प्रवृत्ति के आपको आवेश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों ये क्या है सेम ही आवृत्ति की है, यानी कि इनमें भी क्या है हमारे पास प्लस है, इनमें भी प्लस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों क्या है एक दूसरे से सेम है बिल्कुल, सेम को हम क्या बोलते हैं बराबर है, तो क्या होता है हमारे पास इसे हम बोलते हैं सजातीय आवेश। ठीक है, जहां पर हमारे पास सजातीय आवेश होगा वो एक दूसरे को क्या करते हैं
प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण का बल ये लगाएंगे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपके पास एक धनात्मक हो और एक हो ऋणात्मक, अलग अलग प्रवृत्ति के आपके पास आवेश हो, ठीक है, अलग अलग है हमारे पास ये दोनों, यहां पर क्या है, इन्हें हम बोलते हैं विजातीय, विजातीय आवेश, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं विजातीय आवेश, और ये क्या करते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित का बल लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको, छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी है, सिंपल सी बात है, आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास 9th क्लास के अंदर, लेकिन ये बातें याद रखने हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी। उसके बाद क्या है, आवेश के फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, आवेश का फॉर्मूला क्या है। अब कल ही मैंने आपको क्या है, जो हमने धारा के बारे में डिटेल से पढ़ी थी, वहां पर क्या है, मैंने एक आवेश के बारे में आपको बताया, आपको क्यों बराबर क्या होता है, जो करंट का मैंने आपको क्या बताया था, आई बराबर क्या होता है, क्या वो बटा में टी, ठीक है, यहां से हम आवेश निकालेंगे तो ये टी इस साइड आ जाएगा, बटा में इस साइड जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि क्या वो बराबर क्या हो गया, आई गुना में टी, ठीक है। याद कैसे रखोगे, दिक्कत यहीं पर आती है, याद कैसे रखोगे इस फॉर्मूले का, याद कैसे रखेंगे, क्या वो बराबर, दो लकीर माननी है बस, 11 नंबर यहां पर लिखना है, क्या वो बराबर क्या है, 11 का मतलब ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास टी है, बस आई बराबर आई गुना में टी, ये हमारे पास याद हो गया, क्या होगा फॉर्मूला मतलब 11, ठीक है। 1 लिखेंगे, ये हमारे पास करंट हो गया, ये हमारे पास टी हो गया, याद रह जाएगा। उसके बाद क्या है, आई का मतलब आप सभी को बताए, आई का मतलब होता है धारा, और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है। अब इनकी इकाई की बात करें, इकाई हमारे पास क्या होगी, धारा की इकाई आप सभी को पता है एम्पियर होती है, और समय की इकाई आप सभी को पता है क्या होती है, सेकंड होता है, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, ये आप सभी को पता है। तो धारा की इकाई एम्पियर और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों जहां पर मिल जाएंगे आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कूलाम, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, कूलाम होती है। तो आपने सुना होगा आवेश की इकाई क्या है, कूलाम, आपने लगभग सुना होगा, ये कमी लिखा हो मिलेगा आपको एम्पियर गुणा में सेकंड, जहां पर भी लिखा हो मिले कूलाम ही लिखा हो मिलेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यहां पर कोई डाउट नहीं है आपको। उसके बाद क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हमारे पास कूलाम इसकी इकाई बन गई, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहां से रफ, ठीक है, मैं ऊपर वाला रफ करता हूं, देखिए ये रफ कर देते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं और नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, आगे जो हमारे पास है, अब आपको पूछ ले भी हमारे पास जो कूलाम है उसकी सीजी इकाई क्या होगी, ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एस आई इकाई है, ठीक है, आवेश की एस आई इकाई हमारे पास कूलाम हो गई। उसके बाद आपको पूछ ले भी कूला आवेश की, आवेश की, आवेश की सीजीएस इकाई क्या होगी, ठीक है, कोई बता सकता है, एक बार चेक कीजिए खुद से, आवेश की सीजीएस इकाई क्या होगी, ठीक है, बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है हमारे पास, स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम हमारे पास आवेश की सीजीएस इकाई होता है, ये आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, आवेश की सीजीएस इकाई क्या होती है, स्टेट कूलाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर क्या है, अगर आपको पूछ ले भी एक कूलाम बराबर, एक कूलाम बराबर हमारे पास कितना होता है, ये आप सभी को पता है, एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3×10^9 जिसे हम लिखते हैं क्या, स्टेट कूलाम, ठीक है, ये हमारे पास होता है 3×10^9 स्टेट कूलाम हमारे पास क्या है, एक कूलाम की वैल्यू होती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, अगर आपको पूछ ले आवेश की एक EMU इकाई, ठीक है, आवेश की हमारे पास एक इकाई होती है, जो मैं यहां पर लिखता हूं अभी देखना, आवेश की EMU इकाई, ठीक है, आवेश की EMU इकाई क्या होगी, ये आप एक बार सोचिए, EMU इकाई इकाई क्या होती है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है,
इसको हम लिखते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, ये हमने लिख रखा है ईएमयू इकाई। विद्युत चुंबकीय हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो हमारे पास क्या होगी आवेश की, ये हमारे पास क्या होता है जो ईएमयू इकाई है वो क्या है, एक कूलाम बराबर एक बटा में 10 ईएमयू के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। तो क्या है, एक कूलाम बराबर क्या है, एक बटा में 10 ईएमयू हमारे पास होता है आवेश के अंदर। तो ये आपने देखा, अभी आवेश के बारे में मैंने आपको बहुत सी नई बातें बताई है, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, तो जिस इकाई है वो स्टेट कूलाम होती है, और एक कूलाम बराबर क्या है, 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। यहां पर आपको पूछ ले आवेश की ईएमयू इकाई क्या होगी, तो ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय हमारे पास की जो इकाई है वो क्या होगी, एक कूलाम बराबर क्या है, 1×10 ईएमयू होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, जो भी स्टूडेंट क्या है हमारे साथ नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे, केटीपी क्लासेस ये हमारे पास ऐप है, ये हमारी, ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो पूरा कंप्लीट हमारे पास जो कोर्स है वो क्या है, एचएसएससी एलम का और यूपीपीएससी डीजी 2 का जो कॉमन कोर्स है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हमारे लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, बिल्कुल काफी आप क्या है ऐसे महसूस करोगे कुछ दिनों के बाद भी आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इतनी कुछ आने लगी है। ठीक है, तो एक बार क्या है आप हमारे साथ विश्वास करके जुड़िए, और अपने दोस्तों को भी क्या है इसके साथ इसको शेयर कीजिए। तो आप क्या करोगे, केटीपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पर जितने भी लेक्चर आपको मिले वो सारे लेक्चर देखिए। ठीक है, तो डेली हमारी क्लास रहेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी आपको, और उसमें क्या है रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, आज हमने पढ़ा है आवेश के बारे में, धीरे धीरे क्या है आगे लेक्चर को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।